एक बेटी है जिसका नाम है हरनंदी और दादा मूंगा मल ने पोती हरनंदी बेटियों से भी प्यारी, इतना प्रेम अपनी पोती से था। और उस समय पर कहते हैं शेरसागढ़ से बारात आई थी, 12 करोड़ माया हरनंदी की शादी में उसके दादा ने लगाई थी। उस समय पर 12 करोड़ 12 ठीचाली चांदी के सिक्के बखेर कर दी मूंगामल सेठ ने, पोती के ब्याण खातिर बटे हुआ था, बार उठी आओ थी, चांदी के सिक्के बखेर दिए। और जो बराती आ रहे थे उन नवा माया चुगली, मनसा सेठ अपने बेटे ने ब्याण आया था, वो ने बोला रहे ओ राम खोरो, इसने तो दौलत के नशे में माया बगा दी, तुम सेठ आदमी हो, तुम बराती हो के और तुमने माया चुगली, तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। बात यहां भी नहीं रुकी, रथ बैल गाड़ी जितने भी मंजोली जितने बरात में साधन आए थे सबके मालिक मूंगामल सेठ ने बुला लिए, भाई तेरी गाड़ी की क्या कीमत है, तेरे रथ की क्या कीमत है, तेरी मंजोली की क्या कीमत है, सबकी कीमत पूछ के कीमत चुका दी। और विदाई का समय आया, सारे साधन उल्टे दान में दे दिए। मनसा सेठ ने बोला इसने मेरी बेइज्जती करी से मीठी मीठी, हर कदे मेरा टाइम आओगा इस बेइज्जती का बदला ले लूंगा। हर पोती हर नंदी को विदा करके मूंगामल सेठ ने चारों बेटों में 11-11 करोड़ बराबर की माया बांट दी। और सारे न्यारे न्यारे कर दिए, बोला भाई माया खराब करने की चीज नहीं है, भाई ने बताओ नहीं तो घटाइयो मत, भाई ने डांट के रखियो। नरसी सेठ बाप का वचन सुन के उस माया पर मुद्दा पड़ा, एक पैसा भी कभी खर्चा नहीं है। समय बीतता चला जाता है। एक रोज सुबह सुबह नरसी की सेठानी बाहर लकड़ी गंगा जी का नहान था, अगड़ पड़ोसन सारी तैयार हो रही, वह निबली कड़ जाओगी ये, वह निबली बेबे गंगा जी ना कहूंगी, गंगा जी का नहान है, वह निबली मन न भी ले चलो, निबली बेबे ले चल लेंगे हम तो जोड़े तो जाएंगे तेरे सेठ तो बूझ ले चलता हो। और वह नरसी के पास गई, निबली सेठ जी जिस दिन तो तेरे ब्याह ही आई सुन के मांगिया सा, निबला नहीं कोई जद करी हो कि नहीं। सेठ जी मेरी एक इच्छा है, क्या की के तुमने गंगा जी नवा लिया। और नरसी लखा निबला डूतनी किसने मारी फूंक तेरे, क्या करेगी गंगा जी, ने बोले पिया जी उड़े पाप कटन है, बोला उड़े कौन सा गंडा सा कट रहा, क्या कटन पाप, कौन कैसे तेने पाप कटन की। सेठ जी सारी मोल लगी लुगाई सारी जहां से तुम लेके चाहे। नरसी सेठ ने सोचा राज अठ बाल अठ तिरिया अठ, ये तिरिया अठ है ये माननगी नहीं, या नहा तो लेनी पड़ेगी पर कोई सा राह देख ले खर्चा ना हो। जाके निबला सेठानी नहागी, निबली जीऊंगी जब जब नहांगी, निबला देश न के बेरा गंगा जी नहाने का मैं बताऊं सुविधी तन नहा तन दूना धर्म हो। निबली सेठ जी वाह विधि बता दे जिस तो दूना धर्म हो। निबला देख हरिद्वार चल लेंगे नहाण, अर नहाण पैदल जार नहा का पैदल आव दूना धर्म हो। ओनी सोचा गाड़ी घोड़े में खर्चा होगा, वहां निबली सेठ जी मेरे को मंजूर है मैं पैदल ही चल पड़ूंगी। फिर नरसी चुप हो गया कि भैया जाएगी। निबला अच्छा और सुन दे खान का घर तो लेना पड़ेगा, बाहर का नहीं खांगा बीमार हो जाएगा। हाँ निबली सेठ जी मंजूर है तेरे प्राम ठेड़े तो तार ले जाएंगे, मत खाइए बाहर का पक्की बात। अच्छा निबला और सुन दे तीसरी शर्त में प्रसाद नहीं लूंगा। हाँ निबली सेठ जी तू प्रसाद भी मत लिए पर गंगा जी नवा लिया। निबला सेठानी और सुन ले चौथी शर्त, उड़ा ब्राह्मण पाओगे माथे पर चार बरे कर काटे मैं दान नहीं करूंगा। हाँ निबली सेठ जी तू दान भी मत करिए। चारों शर्त पक्की करके अर्जुनागढ़ हरिद्वार पड़ा 400-450 कोस और पकड़ के सेठानी का हाथ और तब भी ले गया हरिद्वार अर की पैडियां ताई पहुंचे इतने छपाई जैसी पिंडी होगी नहीं बोले सेठानी ही बनाएंगे। अर उड़ा नरसी ने काट कुर्ता अर गंगा जी में बढ़िया अर गोता मान ने तैयार होया। कृष्ण भगवान ब्राह्मण के वेश में प्रकट होते हैं, नहीं बोला है नहाने वाले गंगा का उसूल है नहाने से पहले दान करे के तो गोता मार था ना दादा ब्राह्मण तो नहाना था बोले बाहर नहाना था। नरसी बाहर काट दिया पकड़े सेठानी का हाथ दगड़ 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 अगले घाट पर चला गया। अगले घाट पर जाकर काट दिया कुर्ता फिर बढ़िया नहा गोता मारना त्यार
कृष्ण भगवान फिर ब्राह्मण वेश में ने बुलाया नहाने वाले, नहाने से पहले दान कहा दादा मनु देखो ताता शिला मन क्या करना नाग दब मारो ना नहाना तो ताता शिला की साई पड़िया रोतन ठेका भी किस है सारा देश घाटा पर ना अर शठानी का हाथ पकड़ के उड़ ठाले गया जड़ धूल धूल उड़ झाड़ बू उड़े खड़े अर निबला देख शठानी बामन गैल तो नहीं है अर शठानी लखा के निबली पिया जी मर तू और कोई भी नहीं है निबला ई बनाएंगे कौन रोकेगा अर फिर कुर्ता काट के फिर गोता मान में तैयार अर कृष्ण भगवान फिर प्रकट निबला ए नहाने वाले गंगा का उसूल है नहाने से पहले दान करे अर देख के निबला एक बात बता देता था नहान मैं आ रहा हूँ और भी कोई आ रहा है तुम मेरे गल की सलाह क्या मैं चीजा सुड़े आ जा है निबला को आ रहा हो से ना बारो निबला दादा मेरी गल मत करे तू दान तो वो करे अगर जिस दौर के माँ हो कृष्ण जी निबला भाई सही बात वो करे जिस दौर के माँ हो तेरे दौरा नहीं निबला मेरे दौरे के मैं सह नहीं मैं क्या दान करूं निबला रे शर्म कर तेरा हिंदू धर्म गंगा में खड़ा 11 करोड़ माया का मालिक अर गंगा में खड़ा हो गए मेरे दर कुछ नहीं नरसी टाइट खो रहे है निबला रे चाला पाट गया ब्राह्मण तो घर ताई का जानकार है भाई निबला दादा 6-11 करोड़ मंत्री मान ली बात फिर मैं गए ले रहा हूँ घर आंदरी है निबला फिर उधार कर लिया निबला दान की निबला मैं कर लूंगा निबला दादा सुन दे फिर दान सरदा समान मेरा जी करेगा उतना हाँ निबला 11 करोड़ मांग तेरा जी करे उतना निबला अच्छा सुन ले तो मैं दूंगा दान की 1 पाई कृष्ण भगवान ने बही में लिख ली जूनागढ़ का नरसी सेठ गंगा पोटी दान की 1 पाई अर निबला भाई खूब ना ले गोते मार मार नरसी नहाया अर नहाके फिर उल्टे चाले शेठानी निबली पिया जी न्यू कथा दान नाग नु कड़ करिया अगु ब्राह्मण की ओटी 1 पाई निबला पागल की बच्ची मरेगा ब्राह्मण का 500 कोस खातिर 1 पाई खातिर आओगा चल कराऊ ले उल्टे करा आगे ना दो का आगे 1 हफ्ता गुजर गया बनिया वाली कुर्सी पर नरसी पड़िया और उसका मुनीम बार लकड़े और ब्राह्मण बार खड़िया था निबला कौन हो निबला जी मैं नरसी सेठ का मुनीम निबला तेरे सेठ ने कह दे के ब्राह्मण गंगा जी आला कह दे फिटना रहा है अरे भीतर गया निबला सेठ जी आप तो एक पंडित जी मिलना चाहो है निबला पंडित जी मैं ब्राह्मण देख के राजी नहीं सर मन नहीं मिलना किसी पंडित पुंडित थे निबला जी आपका वो जानकार है निबला मैं किसी ने ब्राह्मण ने जानता ही नहीं निबला सेठ जी आप ना गंगा जी मिले होगा न्यू करते कुर्सी तले निबला आ गया वो निबला बाहर खड़िया है निबला जाके पंडित जी न्यू कह दे मारा सेठ बीमार है मुनीम जाके निबला पंडित जी मारा सेठ तो बीमार है अर न्यून तो शठानी आ गई नरसी तले पड़िया निबली सेठ जी डूब के मर तू फरस पर पड़िया निबला घनी मत बोले तन्ना नुकसान करा तन्ना नाश करा क्या कर दिया निबला ब्राह्मण बाहर खड़िया अर जाके ब्राह्मण आगे चूड़ी फोड़ दे न्यू कह दे सेठ मर गया निबली पिया जी 1 पाई खातिर निबला घनी मत बोले चली जा धमका दिरवा जाके निबली पंडित जी मारा सेठ तो मर गया निबला ई मुनीम बीमार बताओ था निबली बीमार था जब तो मर गया ईसा गंगा जी नहा के आया मारा तो उसे दिन का बीमार था मर गया कृष्ण भगवान ब्राह्मण वेश में निबला भाई मरना जीना तो भगवान के हाथ है पर भाई घना प्यारा मन जजमान है मन गंगा मिलया था अरे भाई मौका भी ठीक भिड़ रहा तो मार रहा हूँ फिर आया हूँ या मैं उसकी लाकड़ी दबा के जाऊंगा मैं उसका दाग दबा के जाऊंगा अरे शेठानी गई निबली सेठ जी खड़ा हो लेना मारिया जागा क्या थे ब्राह्मण ने कहा दाग दबा के जाऊंगा निबला सुन दे सांस घोट लूंगा नकली मर जानू सू मैं 1 पाई नहीं दूंगा देख कथा कैसा दिखाती है लोभ कहां तक ले जाता है अर्थी त्यार राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम चिता बना दी कृष्ण भगवान बेड़े की ओट में खड़े रहे और चिता बना का आग दे दी सारा नगर उल्टा मुड़ गया कृष्ण भगवान ने अपनी माँ से नरसी तक आग नहीं जान दी और जलती चिता के पास कृष्ण भगवान जाकर निबला है नरसी किसके लिए मरता है माया के लिए जलती चिता माग निबला दादा किम कर लिया मैं दू को निबला रे किसके लिए मरता है माया के लिए निबला हाँ नरसी माया के लिए मरता है
ने बोले आ मैं तेरे को माया के दर्शन कराता हूँ। चिता तो बाहर काट लिया, माया के दर्शन करा दिए, विष्णु भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखा दिया तो ज्ञान हो गया, पाया का लपट गया, उल्टा भाज लिया, जो फूक का आए थे वे भीतों का लाग दिया, मुर्दे उठाए और मुर्दे भी उठाए, और एक पाई के लिए मरने वाला नरसी, और जिस दिन ज्ञान होया फिर वो के करण लग गया। बोल कृष्ण भगवान की क्या लिखा है, जो तेरा लूट जाएगा, सब यहीं पे मिले आधार यहीं पे छूट जाएगा, फिर रोड़ा भी क्या गा है, खाली आधार थे यहीं मिला, अरे मिला से बर्तन खातिर अड़े मानस बरतता ही नहीं है। ज्ञान होने की बात से वकील साहब कैसे निभला, मेरे समझ में आ गया, मैंने खखा ठारा क्या है, समझ मान की बात से जिसके समझ में आ गया, नरसी एक पाई खातिर मरा था, और जिस दिन समझ में आ गई उन्हें के कर दिया पहली गली। पहले मैं प्याऊ और गौशाला, पहले मैं प्याऊ और गौशाला, खोल दिए बेसुमार छोड़िए बांट दिए कई हजार, जूनागढ़ के दरवाजे पे बैठा दिए पहरेदार, जूनागढ़ के दरवाजे पे बैठा दिए पहरेदार, ये साधु संत 36,000 में जो को तीरथ जाना चाहे, दोनों तरफ का बाड़ा खर्चा नरसी से अकेला ठावे, पर भर मुट्ठी रे बांटन लागा, जो को दर पे मांगण आवे, पर भर मुट्ठी बांटन लागा, जो को दर पे मांगण आवे, सुन है धरवा दे सावल दाल ने, ईसा सेठ धर्म पे माखी आप पे आ जाए अगर। जैसे ही दुनिया में खबर पटी के बनिया का छोरा जूनागढ़ में नरसी पागल हो गए, माया लुटान लाग रहा है, सुवर्जो तो मानस आ गए,
कृष्ण आगा चौका दिया मारे थारे के शिव जा महेंद्र सिंह घर बनाना है कड़िया की जरूरत है बोला पाड़ ले जाओ चोखट जंगले चाहिए ने बोला पाड़ ले जाओ। और नंदी को भी पता लगे आके ने बोली पिताजी तेरे बाग में पुत्र नहीं है मेरे बाग में भाई नहीं है पर इस दुनिया में दौलत का बड़ा सहारा होता है पिताजी या दौलत खराब मत कर मेरे कदन कदे काम आ जाएगी सुने सबकी करे मन की पुड़ बंबई और कलकत्ता देशोर मात साहूकार के उत्तर दक्षिण पूरा व पश्चिम रुका पड़ा बाजारा के चारों कूठ में नाम गूंज गया खबर छपी इस तारा के मार चारों कूठ में नाम गूंज गया खबर छपी इस तारा के मार मित्र प्यारे रिश्तेदार सुन सुन लोग आवन लगे नई नई काटे रिश्तेदारी ज्ञान दूसरा लावन लगे मनसा से हर नंदी आके नरसी ने समझावन लगे मनसा से हर नंदी आके नरसी ने समझावन लगे रे सब देखें शेठा की गाल रयो कुणसा रासा छड़ गया रे लग्या भगवान ने प्रचारी का रोल दिया है सब प्रचार करें अपने अपनी बुद्धि से कोई कथा कहानी आगा करे है एक आध पांच चार छोरी गेल रख जो डानस का प्रचार करे है कोई अच्छा बुंडा प्रचार भी करे है। मेरी माँ ने कही मैं इस काम का लागे नहीं बोली भाई हमने तो एक बात का बेरा राम के नाम लेने में कदे मानस ने टोटा नहीं रहा हम प्रचार करते हैं सत्संग का ऋषि मुनियों का जो हमारे विद्वान सनातन की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार करते हैं पर पाछ घने दिन रोला भी रखा भाई नाचना कूदना नहीं होना चाहिए अच्छा बूंदा नहीं होना चाहिए हमारा समाज इससे दूषित होता है हमारा समाज खराब होता है फिर न्यू समझ माई माँ भर रोला करिए तो बैर बैर बंद हैगा मानस का आप समझ में आ जाएगी एक दिन मैं छोटे छोटे थे नहीं जब ये चाची ताई बैठी ये हमक ये बूढ़े बैठे बालक बैठे सब छोटे छोटे थे मां सब माटी खाया कर दे कुन बार रो लिया माटी मत खाया कर मार लिए पीट लिए जमा कौन मानी एक दिन आप समझ में आ गया माटी देखे मनी और छोड़ दी फिर टोपी खान लगे कुनबानियों का तजाड़ खराब हो जाएंगी दांत खराब हो जमा कौन मानी लुक लुक चीनी खाए गए एक दिन आप समझ में आई यार ये टोफी टाफी क्या मन है मगर फिर वो बीड़ी पीण लाग जैसे दारू पीण लाग जैसे कोई से मुक्ति केंद्र में बांध जा जमा नहीं छोड़ देगा जिस दिन आप समझ में आओगी इसी छोड़ देगा कदे हाथ में लाऊगा मगर इन्ना खूब डानस देख लेने दे
एक दिन का आप समझ में आओगी कि बेटी का भजन तो दादा राले बढ़िया सं भाई एडा नस नुनस कुछ ना मगा आप समझ में आओ आओ को अरे कुणबे का मोह है नी यो बिताई आप पे समझ में आओ से जब छूटता से इतने किसी का कही तो छूटता को वह बुढ़िया थी धर्मराज बाबा बन के आ गया नहीं बोला बुढ़ी माई चाल स्वर्ग में ले चालू बुढ़िया दिद्य का ढिकाय नहीं बोली बाबा इब मना टाइम से स्वर्ग में जाने का नहीं बोला और तुम भी ये सब मला करी है तुम पेंशन आओगी तेरी नहीं बोली अच्छा मना थोड़े काम से के काम से अये इव तो पोता होगा बाबा पोते ने खिलाऊंगी पढ़ाऊंगी चाली बकती टाइम नहीं है उनका पोता भी हो गया खिला भी लिया पढ़ा भी लिया धर्मराज फिर बाबा बन के आ गया नहीं बोला बुढ़ी माई साल स्वर्ग में ले चलो नहीं बोली बाबा हे इब्बत पोते ने ब्याहूंगी बहू आओगी उन्हें लखन लाऊंगी बाबा कती टाइम नहीं है चल दे वो धर्मराज उसने दो चार बार तीन चार बार उल्टा कर दिया और वह उम्र पूरी होगा वह बुढ़ी गई मरे और मरे पाछे अगली योनि कर्मा के अनुसार उन्हें कुत्ती की मिलेगी और बुढ़िया कुत्ती बनेगी और दे मो कितना कुत्ती बनकर भी उससे घर आकर बैठी और धर्मराज फिर बाबा बन के आया नहीं बोला बुढ़ी साली बगाए टू खा है साली स्वर्ग में ले चाल नहीं बोली बाबा कती टाइम नहीं है धर्मराज लखा नहीं बोला इब भी टाइम नहीं है नहीं बोली बाबा कड़े टाइम से या पोते की बहू से नई नई आई से नहीं क्या है का ज्ञान से नए बालक नई बहू से और बाबा ये और तम के कर सकूं सू घर आग बैठी रहूं कोमड़ा गैर आदमी बड़े मड़ी भोंस भाँस दूं बाबा और तो के बस का है पर कति टाइम नहीं है स्वर्ग में चलने का आलिया ने मिला बुढ़ी माई ले भोंसे ज्यादा मैं करूं भी के तन ना है चलना तो फिर चलिया गया वह कुत्ती वाली योनी भी पूरी होगी और मर के सांपने बनेगी और मो देखो कितना सांपने बनके घर का बार नाली के ऊपर पत्थर धरिया गेट का गौ पत्थर का तल रहे नाली में मुंह लखो रे मुड़ा मुंह का डी रहे धर्मराज फिर बाबा बन के आ गया नहीं बोला बुढ़ी माई इफ तो जमा पेट के तान के सर से चाल स्वर्ग में ले चालो नहीं बोली आए बाबा चाल तो पण उम्र की जिम्मेवारी और रह रही है धर्मराज लखा नहीं बोले इतनी जिम्मेवारी रह रही है के रह रही है आए बाबा रह नहीं रही के जिम्मेवारी है नूला पोते की तो रात की ड्यूटी है बालक एकले से घर हाँ इनका रुखाड़ा कौन से अरे बाबा और तो मैं क्या करूँ रात ने को चोर चार बड़ा मड़ी फूं फां कर दूं बाबा और तो मैं क्या करूँ मेरी रुखाड़ी की जिम्मेवारी है आने बोले आज आज और कर ले तड़के देखूं तेरी थानेदारी अगले दिन पोता आया था ड्यूटी पर के और बाबा ने मारा था रुका निबला जीतू रे नूला हाँ बाबा नूला रे सांप रे बोला कड़ा बोला थरा घर आग गए और पोता और पड़ोता बाजे से लाठी ले गए और पत्थर हटा दिया और बुढ़िया चाली से न्यूर न्यू न्यूर न्यू और पोते ने मारी है कड़ी मत आधी टूट गई आगे आगे की सरक पाछे इतना सरक्या जा आगे आगे की सरक पाछे इतना सरक्या जा और कौन मत धर्मराज बाबा बनिया खड़ियार बुढ़ी ने कहा बाबा ओ बाबा तुमने स्वर्ग में ले चाले फिर धर्मराज आशा है निवला बुढ़ी माई मानस मानना तो है पर दाऊ कमर टूट ले है जब मानना है इतना मानता नहीं तमा सरपंच साहब दाऊ कमर टूटेगी नहीं जब सबका समझ में आ जाएगी इतने क्यों करे लागे रहो कोई बात ना क्या लिखा तीसरी गली ओए चारों तरफ चढ़ाए मंदिर चारों तरफ चढ़ाए मंदिर जिनमें घंटा की घंटे को चरणा पानी भरण लाग रहा पीवे नावे डंगर ढोर पशु पखेरु आनंद भोगे पक्षी गावे संग नाच मोर पशु पखेरु आनंद भोगे पक्षी गावे
हजारों को वैद्य डॉक्टर मुफत ला दिए न जूनागढ़ में छोटा रोग पगमा बाणा तन पधारिया नरसी ने ले लिया जो पगमा बाणा तन पधारिया नरसी ने ले लिया जो करा तोड़े मोह के जाल ने Yeah.